आइए सीखते हैं कन्वेंशनल एसी लोको के अंडर ट्रक के इंस्पेक्शन के बारे में। लोको के सामने ये बफर है, बफर के ये चार फाउंडेशन बोल्ट जिनकी जांच करना हमें आवश्यक है। साथ ही साथ भर में हमको चेक करना है कि बफर दबा हुआ नहीं है, झुका हुआ नहीं है तथा इसकी बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई क्रैक नहीं है। सीबीसी कपलिंग की भी हम जांच करते हैं। सीबीसी हाउसिंग के दोनों बाजू तीन तीन बोल्ट हैं जिनकी जांच करनी है कि ये तीनों बोल्ट सही प्रकार से लगे हुए हैं और स्प्लिट पिन लगी हुई है। सीबीसी कहीं से झुकी हुई नहीं है और सीबीसी का ऑपरेशन भी हम चेक करते हैं। हम खोल के देखेंगे, इसके बाद हम ये देखते हैं, ये हमने खोल के देखा बराबर है। अब इसको हम बंद करके देखेंगे, बंद करने के साथ में हम नीचे जांच करेंगे कि यह बराबर इसका टॉगल गिरा है और सीबीसी की लॉक पिन को उसके होल में लगाकर घुमाकर लॉक करेंगे। लोको के सामने की ओर कैटल गार्ड की जांच करेंगे। कैटल गार्ड के फाउंडेशन बोल्ट, कैटल गार्ड कहीं से बेंड नहीं होना चाहिए, मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। कैटल गार्ड के ही नीचे की तरफ दोनों रेल गार्ड होते हैं, रेल गार्ड रेल की सीध में होने चाहिए। आप देख रहे हैं कि ये रेल गार्ड है, वो दूसरा रेल गार्ड आपको दिखाया जा रहा है, ये दूसरा रेल गार्ड है, ये भी रेल की सीध में होना चाहिए, मुड़ा हुआ टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, फिटिंग बराबर होना चाहिए। ये कैटल गार्ड के फाउंडेशन बोल्ट दिख रहे हैं आपको, ये कैटल गार्ड के फाउंडेशन बोल्ट की जांच करनी है। साथ ही साथ आप नीचे की तरफ देखें तो आपको यहीं पे नीचे की ओर ये सीबीसी कपलिंग के योक पिन की सपोर्टिंग प्लेट है और इस सपोर्टिंग प्लेट के ये चार बोल्ट रहते हैं, इन चारों बोल्ट की जांच करनी है। ये चारों बोल्ट सही तरह से इंटैक्ट हैं। कैटल गार्ड के पीछे की तरफ ही ये बीपी के एडिशनल कॉक की जांच करेंगे। बीपी का एडिशनल कॉक खुली अवस्था में होना चाहिए और इसी प्रकार अंदर की तरफ आपको एफपी का एडिशनल कॉक भी दिखेगा, उस एडिशनल कॉक के भी खुले होने की जांच करनी है। बोगी में हमको क्रॉस टाई बार की जांच करनी है, क्रॉस टाई बार का ये सेफ्टी सीलिंग दोनों तरफ होता है उसकी बराबर जांच करनी है। ब्रेक रिगिंग में हमको ये ब्रेक लीवर है, इसकी पिन है, पिन के साथ आपको ये जो दिख रहा है ये स्प्लिट पिन है, ये बराबर लगी होना चाहिए। इसके साथ में ये ब्रेक शू जुड़ा है, ब्रेक शू के साथ में ये ब्रेक हैंगर पिन है, ये ब्रेक हैंगर पिन है और ये ब्रेक ब्लॉक है, ये सही तरीके से लगे होने की अपने को जांच करनी है। ब्रेक सिलेंडर की जांच करने के साथ साथ ब्रेक सिलेंडर पर लगे इस स्लैक एडजस्टर की भी जांच करनी है, ये स्लैक एडजस्टर और इसके स्क्रू सही तरीके से लगे होना चाहिए। एक्सल बॉक्स की जांच करनी है, एक्सल बॉक्स का ये कवर है, कवर के साथ में ये आपको चार बोल्ट दिख रहे हैं, ये बोल्ट सही तरीके से कसे होना चाहिए तथा तार की बांधी होना चाहिए। प्रत्येक बोगी में आपको हर एक्सल बॉक्स के साथ में ये बोगी फ्रेम पे ये बोगी हॉर्न है, इन बोगी हॉर्न की भी जांच करनी चाहिए। बोगी हॉर्न के साथ में ये जो आपको अंदर एक प्लेट है, जो ये प्लेट वेल्ड दिखाई दे रही है, ये दोनों तरफ हर एक बोगी हॉर्न पे रहती है, इसे हॉर्न चेक लाइनर कहा जाता है। हॉर्न चेक लाइनर के सही तरह के से लगे होने की जांच करनी है। नीचे आपको हर एक्सल बॉक्स पे ये स्टे प्लेट दिखाई दे रहा है, स्टे प्लेट नीचे नट बोल्ट से सही तरीके से टाइट होना चाहिए, आपको दिख रहा है ये, और साथ ही साथ स्प्लिट कटर पिन भी इसकी लगी होनी चाहिए। प्रत्येक बोगी में इक्वलाइजिंग बीम रहती है, इक्वलाइजिंग बीम का एक सेट, ये इक्वलाइजिंग बीम में ये आउटर साइड की इक्वलाइजिंग बीम है जबकि ये इनर साइड की इक्वलाइजिंग बीम है। इन दोनों इक्वलाइजिंग बीम को एक साथ बांधने के लिए ये टाई बोल्ट का प्रबंध है, टाई बोल्ट के अंदर एक टाई बोल्ट का स्लीव रहता है, ये स्लीव की भी जांच करनी है। साथ ही साथ टाई बोल्ट पे ये स्प्लिट कटर की भी जांच करनी है, स्प्लिट कटर बराबर लगा होना चाहिए।
प्रत्येक इक्वलाइजिंग बीम पे ये स्प्रिंग चेयर है और ये स्प्रिंग चेयर पिन है। इस स्प्रिंग चेयर पिन की भी जांच करनी है और स्प्रिंग चेयर पर ये दोनों बाजू आपको हेलिकल स्प्रिंग नज़र आ रही हैं। हेलिकल स्प्रिंग भी सही अवस्था में होना चाहिए, कोई भी स्प्रिंग टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ अंदर की तरफ से इन हेलिकल स्प्रिंग में लगे स्नबर्स की भी जांच करनी है। ब्रेक रिगिंग असेंबली में आपको बोगी फ्रेम पर ही ये आपको ब्रेक लीवर की पिन सही तरह से लगी होनी चाहिए, आपको दिख रही हैं, और ये पूरी असेंबली को बांध के रखने का काम करता है। यही चीज़ आपको प्रत्येक बोगी में हर ब्रेक रिंग असेंबली के बाहर की तरफ ऐसा आपको दिखाई देगी, जिसकी कि आपको सही तरीके से जांच करनी है। ब्रेक सिलेंडर फिटमेंट बराबर चाहिए, साथ ही साथ हैंड ब्रेक की चेन बराबर लगी होना चाहिए। एक्सल बॉक्स की जांच, प्रत्येक एक्सल बॉक्स की जांच बिल्कुल समान स्थिति से करनी है। आप देख लें कि यहाँ पर ये चक्का नंबर 4 के ऊपर आपको जेड टाइप NRB के साथ में ये R1 का CDC दिख रहा है, इसका ट्रेन कॉक हमें बंद होना चाहिए। तो साथ ही साथ R1 कॉक के खुले होने की जांच करनी है। जेड टाइप NRV आपको दिख रहा है ये बोगी, आइसोलेटिंग कॉक इसके भी खुले होने की हमको जांच करनी है। यहाँ पे आपको ये MR4 का आइसोलेटिंग कॉक दिख रहा है, ये CDC2 है, CDC2 का ड्रेन कॉक इसकी भी जांच करनी है। ये क्रॉस मेंबर है बोगी का, और इस क्रॉस मेंबर के साथ ये जो आपको दिख रहा है ये यू ब्रैकेट है, ये यू ब्रैकेट के भी सही तरह से लगे होने की हमको जांच करनी है। यू ब्रैकेट के ऊपर लगे इन नट बोल्ट और स्प्लिट कटर पिन की भी जांच करनी है हमको। ये साइड लोड बेरर की हमको जाँच करनी है, साइड लोड बेरर के ऑयल लेवल की भी जाँच करनी है। आप देख सकते हैं इस तरह से ये ढक्कन उठाया जाता है और अंदर उंगली डाल के हम तेल के लेवल की जांच करते हैं, ये उंगली को टच होना चाहिए। इसी के साइड में आप देखेंगे तो हर ट्रैक्शन मोटर के ऊपर ये इस तरह का आपको एयर बेलो दिखाई देता है। ये एयर बेलो किसी प्रकार से फटा हुआ टॉर्न कंडीशन में नहीं होना चाहिए, इसकी जाँच भी अवश्य की जानी चाहिए। ये जो आपको दिख रही है ये आपको बोगी पिन दिख रही है, और इस बोगी पिन के दोनों सिरों पर आपको ये कटर पिन है। आप देखें कि दूसरी तरफ से भी हम आपको दिखा देते हैं, ये आपको कटर पिन दिख रही है, ये कटर पिन सही तरीके से लगा होना चाहिए। ये आप जो कप देख रहे हैं यह कप सेंटर पिवट के ऑयल लेवल को जांचने का कप है, इसको हम उंगली की सहायता से ये ऑयल की जांच करते हैं। यदि उंगली को टच हो रहा है यानी इसमें ऑयल लेवल पर्याप्त है, और इस साइड भी आपको बोगी पिन की जांच करनी है। ये बोगी पिन आपको दिख रही है, ये बोगी पिन इस साइड से स्प्लिट कटर इसको लगा होना चाहिए। अंदर आपको सेंटर पिवट नज़र आता है, ये सेंटर पिवट की जाँच करनी है। ये आपको TM का नोज वाला सिरा दिखाई दे रहा है, TM का नोज पैड है। इस TM के नोज पैड में ये TM नोज पैड की वर्टिकल पिन है, और वर्टिकल पिन के बाद ये जो आपको नीचे दिखाई दे रही है ये गोल सा जो माथा दिख रहा है ये हेड सा, ये नोज पैड की हॉरिजेंटल पिन है। साथ ही साथ ये अंदर की तरफ भी आपको एक स्प्लिट पिन दिख रही है, इस स्प्लिट पिन की भी हमको जाँच करनी है। जिस प्रकार से हम किसी एक नोज पैड की जांच करेंगे उसी प्रकार हम पूरे नोज पैड की जांच करेंगे। ये गियर केस के बोल्ट्स हैं, इनकी आपको भलीभांति जांच करनी है। दो बोल्ट ये हैं, दो बोल्ट इधर हैं, ये जो आपको बोल्ट दिख रहे हैं इन बोल्ट की हमको जांच करनी है, ये बोल्ट बराबर लगे हैं। ब्रेक रिगिंग की जाँच करते समय ब्रेक पुल रॉड की जाँच करना भी आवश्यक है। प्रत्येक बेल ब्रेक पुल रॉड की जांच करते समय ब्रेक पुल रॉड की पिन का सही तरीके से लगा होना, साथ ही साथ जो ब्रेक पुल रॉड पे ये जे ब्रैकेट है इस जे ब्रैकेट की भी जांच करनी है, ये कहीं से टूटा हुआ वेंट ना हो। साथ ही साथ इसके नट बोल्ट भी सही तरीके से कसे होने की हमको जांच करनी है। ये आप देखें, ये दूसरी तरफ से भी आपको देखना है, ये जे ब्रैकेट बराबर दिख रहा है, साथ में ब्रेक पुल रॉड की ये पिन और उसका स्प्लिट पिन सही तरीके से लगा हुआ है।
ये आपको गियर केस के बोल्ट दिखाई दिए जा रहे हैं, ये गियर केस के बोल्ट हैं, इनकी जांच करनी है। साथ ही साथ ये जो आपको दिख रहे हैं, यदि गियर केस के बोल्ट हैं, इन गियर केस के बोल्ट की भी आपको सही तरीके से जांच करनी है। ये जो आपको दिख रहा है, ये गियर केस का टॉप बोल्ट है, इस टॉप बोल्ट की जांच भी सही तरीके से लगे होने के लिए करना आवश्यक है। आफ्टर कूलर के ये ड्रेन कॉस की जांच करना है। साथ ही साथ आप देखें बैटरी बॉक्स का उसके फाउंडेशन बोर्ड के साथ सही तरीके से कसा होना तथा बैटरी बॉक्स के सभी डोर सही तरह से लगा होना भी जांच करें, कोई खुला ना हो। CDC का ड्रेन कॉक बंद होना, MR टैंक के ड्रेन कॉक बंद होने चाहिए। ये ड्रेन कॉक दिख रहे हैं आपको, ये MR का ड्रेन कॉक है, ये ऑटो ड्रेन वाल है, ऑटो ड्रेन वाल का एक कॉक खुला होना चाहिए। ये एयर ड्रायर के कॉक आपको दिख रहे हैं, ये बी कॉक है, ये सी कॉक है, और अंदर की तरफ जो आपको दिख रहा है ये ए कॉक है, ए और बी कॉक खुला और सी कॉक बंद। ये SL फाउंडेशन बोर्ड से सही तरीके से कसा होना चाहिए, इसकी फिन्स में किसी भी प्रकार की टूट फूट नहीं होनी चाहिए। ये आपको ट्रांसफार्मर टैंक के ड्रेन प्लग बताए जा रहे हैं, इस ट्रांसफार्मर टैंक के ड्रेन प्लग की भी जांच अवश्य की जानी चाहिए।